पंजाब सरकार पंजाब दे विच चंगीयां सेहत सहूलतां देण दे वादे करके सत्ता दे विच आई सी अते सरकार दे वल्लों इह उपराले भी अमल दे विच लियांदे जा रहे ने। पंजाब भर दे विच हुण औरतां दे ब्रेस्ट कैंसर दी जांच दे लई कैंप लगाए जा रहे ने। जिक्रयोग है कि मोगा दे विच निरामाई हैल्थ दे सहयोग दे नाल ब्लाक पद्धर दे उत्ते नवीं तकनीक दे वल्लों ब्रेस्ट कैंसर जांच कैंप लगाया गया। इस दे विच औरतां दे ब्रेस्ट कैंसर दी जांच कीती गई अते 3 औरतां दे विच इह बीमारी पाई गई। जिक्रयोग है कि इस मौके दस्या गया कि जिन्हां औरतां दे विच कैंसर दी बीमारी पाई गई है उन्हां दा इलाज मुफ्त कीता जाएगा। मोगा तो अज दी आवाज़ दे लई मनीष गर्ग दी रिपोर्ट। कलवंत कौर आई इत्थे सरकार वल्लों औरतां दा छाती दा चैकअप फ्री कीता जांदा वा। बिल्कुल जिथे असीं आके सारे ने आपो अपना चैकअप करवाया वा। जे सानू कोई प्रॉब्लम होंदी है उस बारे सानू डॉक्टर साहब ने सारा कुछ समझाया वा भी गाँव भी सानू जिहड़ी सहूलत सारी बिल्कुल फ्री दित्ती जांदी सरकार वल्लों। सारियां औरतां ने आपदा बिल्कुल फ्री चैकअप करवाया वा। इस दा बहुत ज़्यादा फायदा जी इत्थे बहुत ज़्यादा असीं आके सारे आपो अपना चैकअप करवा रहे हैं। अज भी साडा चैकअप हो ही जांदा है। नहीं जी बिल्कुल कोई फीस नहीं। बिल्कुल सरकार वालों ये फ्री चैकअप हो रहा वा। चैकअप ही हो रहा या इलाज भी कर जी? जे किसी नूं कोई प्रॉब्लम आउंदी है फिर उसका इलाज भी होगा। पर वैसे हुण असीं सारे आपो अपना चैकअप करवाई जांदे आ। जे कोई सानूं प्रॉब्लम आउंदी है मैडम सानूं नाल दी नाल रिपोर्ट दिंदे आ दसदे आ। जिदा कि असी सानू पता है कि पंजाब सरकार सेहत सहूलतों लिए वचनबद्ध है तो उन्होंने इस सहूलतों देंदे हुए नीरामाई हैल्थ एनालिटिक्स नाल मिलके एक नवा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का, जिस विच 30 साल तो उपर उम्र दियां सारियां औरतां अपना ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवा सकदियां हन। इस अधीन ही ब्लाक कोटी सिखवान के CHC विखे 3 रोजा कैंप लग्या जिस विच ब्रेस्ट स्क्रीनिंग की गई है। तो लगभग 3 दिनों के 100 औरतों की ब्रेस्ट स्क्रीनिंग की गई है, जिन्हां विचों 3 हाई रिस्क केस भी साढ़े सामने आए ने, जो कि बहुत ही अच्छा उद्यम है। तो इस 3 केसा जेडे कि कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं इन्हों अपने मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष अधीन अगला इलाज भी मुफ्त दवा की पूरी कोशिश की जाएगी। सो एक बहुत अच्छा उपराला गा। इस दे नाल ही 3 रोजा कैंप अगे धर्मकोट भी लगेगा जिस दिया तरीकां 17, 18 ते 19 नवंबर ने। सो जिहड़े भी इलाका निवासी इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं तो वह औरतां आके जिहड़ियां कि 30 साल तो उपर होण अपनी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवा सकदियां हन। ये उन्हां लई काफ़ी लाभदायक रहेगा। हाँ जी, ये सारे मोगे जिले में अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पर कैंप ऑर्गनाइज किए गए हैं। तो अलग अलग इन्हां दी डेट्स ने जो कि हौली हौली जनतक की जाएगियाँ। फिलहाल ये कोटी सिखा ते धर्मकोट लग्या होया है। मैम पंजाब सरकार वालों सेहत सहूलतें देने बहुत वड्डे वड्डे उपराले किए जा रहे हैं। उसी तरह ही हुण निरामाई के नाल कोलैबोरेशन करके हुण ब्रेस्ट कैंसर के उपर जिहड़ा हैगा ट्रीट कीता जा रहा। अज कैंप लगाया तुसीं कोटी सिखां नूं, की जानकारी दे रहे हो? मैं तो समझती कि जिहड़ा ये गौरमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हैगा भी जिहड़ा उन्हें, क्योंकि बाकी बीमारियों बारे तो गौरमेंट सोचती है कि जिहड़ियां फलू वगैरह होंदे ने उन्होंने बारे मतलब चलता रहता हर टाइम टू टाइम जोड़े है कैंप वगैरह लगते रहते हैं गवर्नमेंट वालों। बट जो है कैंसर सेगा कैंसर भी एक जोड़ा है स्टेज काफ़ी मतलब जल्दी डिवेलप होने वाली स्टेज हैगी और लोग मतलब कई बार जी फीमेल्स होंदिया ने वो अपना ध्यान नहीं रखदिया है और उन्होंने पता भी नहीं होंगे इस चीज़ का भी कैंसर है। बट जो कैंसर जोड़ा है फस्ट स्टेज के उपर जो आप करते हैं प्रिवेंशन हो जाए जो कैंसर की फस्ट स्टेज के उपर ही ट्रीटमेंट हो जाए तो इनका जो है कि पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो सो ऐसे करके जिहड़ा हैगा ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लिया हैगा जिहदे विच ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है। जे किसी फीमेल नूं जिहड़े स्क्रीनिंग दे टाइम पाया जाता है कि जे वह पॉजिटिव केस हैगा रैड केस हैगा तो उनका जिहड़ा इलाज हैगा वह गवर्नमेंट जिहड़ा हैगा उनका फॉलोअप लेगी और गवर्नमेंट उनका इलाज करवाएगी। ये सारे सरकारी हस्पतालों से होगा क्योंकि पंजाब ने जिहड़ा ये टॉयअप किया पूरा गवर्नमेंट का जिहड़ा पूरे 100 वास्ते पंजाब वास्ते ही होया हैगा। पूरे पंजाब से यह चलना असं पहले ऑलरेडी 5 डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। ये मोगा जिहड़ा हैगा 6वां डिस्ट्रिक्ट हैगा और जिवें मोगा का कंप्लीट होएगा मोगा तो बाद नैक्सट डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा हैगा डिसाइड होया होया कि जां लुधियाना जां फरीदकोट जिहड़ा भी लिया जाएगा नाल विच इदां डिस्ट्रिक्ट वाइज। जे किसी पेशेंट नूं बाय द वे हाँ जी सरकार जिहड़े हैगे फॉलोअप सरकार ने अपने नैविगेटर्स रखे ने
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।